हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सम नंबर 14 है वो हमने कंप्लीट किया था और सम नंबर 15 आपको होमवर्क में दिया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा सम नंबर 16 है वो हम करेंगे, बट यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो सम नंबर 16 है वो आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पर ये समझो वो करना ज़रूरी है। तो सम नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कमल विमल एंड विमल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। द बैलेंस शीट शोज फॉलोइंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016। कमल 10,000, विमल 20,000 एंड विमल 30,000। जनरल रिजर्व 24,000, लोन ऑफ विमल 10,000 एंड गुडविल इज ₹12,000। विमल डाइड ऑन 31 मई 2016। फॉलोइंग कंडीशन वेर प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डेड। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मतलब कि गुडविल हमें 2 ईयर परचेस के एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस दिस इज डेट इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन 12% पर एनम। प्रिपेयर विमल्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम हमारी जो ओल्ड गुडविल दी गई है उसे हम दोनों पार्टनर जो तीनों पार्टनर्स के बीच में हम क्लोज कर देते हैं। तो विमल का अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं हम, तो खाली विमल की ट्रांजेक्शन्स की सारी एंट्रीज करेंगे। तो विमल का आपको प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है 3/6, दैट मीन्स कि यहाँ पे 12,000 × 3/6 करेंगे तो विमल की गुडविल कितनी आएगी शेयर की 6,000। तो अब यहाँ पे गुडविल हम क्लोज कर रहे हैं ओल्ड गुडविल, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 6,000। तो यहाँ पे विमल के अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा है 6,000। उसके बाद हमें यहाँ पे दी गई है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट द 2 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स का 25,000, 40,000 एंड 25,000। अब उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, दैट मीन्स डिवाइड बाय 3। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 90,000/3, दैट मीन्स 30,000। अब हमें गुडविल जो है वो फाइंड करनी है एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर्स परचेस पे, दैट मीन्स 30,000 × 2। हमारा यहाँ पे गुडविल कितनी आएगी, 60,000 हमारी गुडविल है। अब इस 60,000 में से हम जो है, तो अब हम यहाँ पे विमल का जो शेयर है वो विमल का हम शेयर फाइंड करते हैं। तो विमल का शेयर आएगा हमारा 60,000 × 3/6, दैट मीन्स 30,000 जो है वो विमल का शेयर आएगा। और इसे हम क्या करते हैं, कमल और गिवन को उनके गेनिंग रेशियो में हम, दैट मीन्स उनका यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो उनका गेनिंग रेशियो का, दैट मीन्स कि उनका 1:2 में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम गुडविल के एंट्रीज करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कमल के अकाउंट में यहाँ पे कितना आएगा, 30,000 × 1/3, दैट मीन्स 10,000। एंड विमल के अकाउंट में आएंगे 30,000 × 2/3, दैट मीन्स 20,000। तो अब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री अगर हमें करनी हो तो क्या होनी चाहिए, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट, डेट हमारी सब में सेम आएगी 31 मई में, कमल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कमल दे रहा है कितना दे रहा है 10,000, एंड बाय विमल्स कैपिटल अकाउंट, विमल कितना दे रहा है हमें 20,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो एंट्रीज है वो हमने कर दी। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ओल्ड पार्टनर है, जो डिसीज्ड पार्टनर है, उसका हमें प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करना है कि जो वो डेथ हो गई थी उसकी, उसकी एवरेज प्रॉफिट के ऊपर से। मतलब कि यहाँ पे ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 30,000, उसके उसकी डेथ हुई है वहाँ तक का उसका शेयर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो वो हम फाइंड करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे जो उसकी डेथ हुई वो कब हुई है, 31 मई 2016, दैट मीन्स अप्रैल मई एंड जून। यहाँ पे 3 महीने का हम सबसे पहले, 2 महीने का सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 2 महीने का प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा, 30,000 × 2/3,
12 अगर हम करेंगे तो उसमें भी अगर हमें यहाँ पे विमल का शेयर फाइंड करना है तो विमल का शेयर हमें दिया हुआ है 3/6। दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारा है 30,000, उसमें से दो महीने का विमल का प्रॉफिट फाइंड करना है, तो दो महीने का विमल का शेयर 3/6 अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 2,500। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो अमाउंट हमें फाइंड करनी है उसके एवरेज प्रॉफिट में से जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उसमें से उसका शेयर कितना है, उसका प्रॉफिट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे तो 30,000 × 2, दो महीने का प्रॉफिट हमने फाइंड किया और उसमें से उसका शेयर, दैट मीन्स 3/6 हमने फाइंड किया तो हमारा यहाँ पे शेयर आएगा 2,500। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे कि इस तरह से कि अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 2,500 है वो मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2,500। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की और उसके बाद यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी देना है 12% पर एनम, पर यहाँ पे दो महीने का ही इंटरेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे रिटायर कब हो रहा है 31 मई को। दैट मीन्स कि यहाँ पे कैपिटल जो है वो विमल की हमें दी गई है 30,000, उसके ऊपर अगर हम दो महीने का इंटरेस्ट जो है वो 12% के अकॉर्डिंग करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 6,000। तो यहाँ पे ये जो 6,000 है वो उसके लिए इनकम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ₹600। यहाँ पे 600 उसकी एंट्री होगी और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो लोन दी गई है वो लोन का भी इंटरेस्ट जो है कि जो विमल ने कंपनी फर्म को लोन दी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आपको लोन का परसेंटेज नहीं दिया, दैट मीन्स कि कितना परसेंट, 6% जो है वो लोन के ऊपर भी हम यहाँ पे देंगे अमाउंट। दैट मीन्स कि 10,000 × 6/100 और उसका दो महीने का इंटरेस्ट, दैट मीन्स 2/12, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा ₹100। दैट मीन्स कि यहाँ पे विमल को लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ पे विमल को लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है ₹100, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹100। तो यहाँ पे इस तरह से हमने किए एडजस्टमेंट। अब हम यहाँ पे जो बैलेंसेस दी गई है वो बैलेंसेस में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे हमने लिखा है बाय बैलेंस BD। डेट यही है कि क्योंकि इसी डेट को वो रिटायर हो रहा है 30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के बीच में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हम फाइंड, उसके बाद दिया गया विमल्स लोन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय विमल्स लोन अकाउंट, अमाउंट हमारी आएगी 10,000। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व में हमने शेयर फाइंड किया तो 12,000 आया था, तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज जो है वो हमने कर दी है और गुडविल जो थी यहाँ पे भी उसकी एंट्री हमने कर दी है। अब हम विमल का अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं, तो विमल का अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा 85,200 और उसी को ही हमने यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है 85,200 और यहाँ पे हमने डेबिट साइड के अमाउंट 6,000 माइनस की, तो यहाँ पे हमारी बैलेंस आएगी, बैलेंस BD अमाउंट आएगी 79,200 जो हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे, दैट मीन्स कि उसे हम लोन के रूप में दे रहे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विमल्स लोन अकाउंट ₹79,200। तो इस तरह से यहाँ पे सारे अकाउंट्स की एंट्री हमने कर दी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है कि डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द डिसीज्ड पार्टनर ऑन द पेमेंट ऑफ हिज एग्जीक्यूटर, कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बिहाफ में अगर कोई पार्टनर अमाउंट लेता है तो वो किस तरह से लेगा। द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नॉर्मली टेक्स प्लेस एट द प्लान डेट, बट द डेथ ऑफ द पार्टनर्स मे बी अकर्स एनी टाइम। वेन अ पार्टनर डाइज हिज हायर और एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका हायर मतलब कि उसका नॉमिनी होता है उसके बिहाफ में उसे वो सारी अमाउंट लेने का हक होता है। देयर हायर डिसीज्ड पार्टनर आर ऑल्सो इंटाइटल टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ द डेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एक्सेट्रा एज वेल एज द हायर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर आर इंटाइटल टू रिसीव द फॉलोइंग। अब उसे प्रॉफिट के साथ साथ उसे यहाँ पे जो अमाउंट है सैलरी है वो सारी चीज़ों को लेने का उसे हक होता है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द
क्रेडिट, तो दिस इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कि अमाउंट की कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की अमाउंट है वो लेने का उसे हक होता है, उसका शेयर जो है प्रॉफिट एंड रिसीव में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसका जो प्रॉफिट है शेयर वो लेने का आगे, गुडविल के शेयर में हक लेने का आगे, उसका प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिगनिंग टू द ईयर, डेथ अगर होती है तो ईयर्स के स्टार्टिंग में तो उसमें प्रॉफिट लेने का हक है, कैपिटल ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेने का उसका हक है, सैलरी जो है वो उसका लेने का हक है, लोन अगर दिए तो वो लोन के ऊपर भी उसे लेने का हक है, और एज वेल एज उसके अकाउंट में से इतनी अमाउंट जो है वो माइनस भी होती है कि अगर उसके करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस हो, अगर उसके रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो तो उसके अकाउंट में से कट होता है, एक्युमुलेटेड अगर लॉस होती है तो उसका अमाउंट कट होता है, उसके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट कट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट गुडविल जो है वो कट हो जाती है, ड्रॉइंग अगर उसने लिया तो वो अमाउंट माइनस होगी, उसका इंटरेस्ट है अगर लॉस होता है तो कोई भी लॉस में उसकी अमाउंट जो है वो इतनी कट हो जाती है। अबव एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर एंड देर आफ्टर द बैलेंस शीट ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो हम फाइंड करते हैं और जो बैलेंस आती है वो हम उसके एग्जीक्यूटर में, मतलब कि जिसके बिहाफ में वो पार्टनर ले रहा है, कि उस पार्टनर के जो हायर है उसके बिहाफ में, जो पर्सन दिस इज पार्टनर के बिहाफ में अगर कोई पैसे ले रहा है तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होती है, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिस इज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कि उसके अकाउंट में से डेबिट होकर उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या हो जाएगी वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अदर एक्सपेंस पेमेंट अफेक्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट फॉर दिस जनरल एंट्री, कि यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट्स दी गई हैं वो सारी एडजस्टमेंट हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये सारे अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, जो हमने आगे के सम्स में अभी देखा था। इस तरह से हम डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। तो सारी क्रेडिट साइड सबसे पहले देखते हैं, उसके बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस, वो अगर उसका रिजर्व में शेयर होता है वो, अक्यूमलेटेड प्रॉफिट में शेयर होता है वो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, अदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो गुडविल हम दे रहे हैं वो, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, लोन अकाउंट अगर लोन दिए तो वो उसका एडजस्टमेंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कि अगर कोई भी प्रॉफिट उसके डेथ तक का जो भी प्रॉफिट होता है वो, देन आफ्टर करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, फिर उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस हो, गुडविल अकाउंट अगर हमने डेबिट किया है ओल्ड गुडविल वो है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है अगर ड्राइंग भी किया वो, एडवर्टाइजमेंट कंपेन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अगर कोई भी नुकसान होता है तो। इस तरह से यहाँ पे हम उसकी एंट्रीज करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है सारा। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसके जो सम्स हैं, प्रैक्टिकल सम्स है, वो हम यहाँ पे करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पॉइंट्स दिए गए कि पेमेंट हम किस तरह से करते हैं। पेमेंट टू द एग्जीक्यूटिव डिसीज पार्टनर इज मेड एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड एज अग्रीड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एज एग्जीक्यूटिव, कि यहाँ पे फुल इंस्टॉलमेंट, फुल अमाउंट जो है एक इंस्टॉलमेंट में दे दें या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में दे दें या तो फिर कैश में दे दें, तब यहाँ पे फॉलोइंग इंटरेस्ट जो है वो हम इस तरह से करेंगे कि फुल अमाउंट अगर वन इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं, दैट मीन्स कि कैश में देते तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, और अगर पेमेंट जो है सपोज हम लोन में दे रहे हैं तो 6% इंटरेस्ट विल बी गिवन टू द अनलेस अदरवाइज एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में देते हैं, तब उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट, अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, एंड अगर इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करें तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से हम इसकी एंट्रीज करते हैं।
यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल सम जो है वो करेंगे कि CS&T आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज 31 मार्च 2017 एज एंड। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट हमने दे दी है T-30 June 2017 एज पर द पार्टनरशिप डेट। फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर गिवन एट द टाइम ऑफ द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12% पर एनम। विड्रॉल्स 20,000 1 May 2017। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years 2014, 2015, 2018, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2017, 2018, 2015, 2016,
लम सम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी अमाउंट हमें दी गई है वो सारी अमाउंट जो है वो हम टी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल जो है उसकी एंट्री करते हैं। तो कैपिटल की एंट्री कौन सी डेट को होगी, यहाँ पे 36 को। दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिखा है बाय टीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो एग्जीक्यूटर अकाउंट हम बना रहे हैं इसलिए उसका पर्सनल अकाउंट नहीं बना रहे, उसकी कैपिटल हमें दी गई है 1 लाख। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड जो है उसे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टी का शेयर हमें दिया हुआ है 40,000। दैट मीन्स कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व हमें 10,000 इंटू 4/5, दैट मीन्स कि 4,000 जो है उसका शेयर होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड और यहाँ पे 4,000 ये हमने एंट्री कर दी। उसके बाद टी की लोन दी गई तो यहाँ पे हमने लिखा 36 बाय टीस लोन अकाउंट, कितना आएगा, लोन की अमाउंट हमें दी गई है यहाँ पे 25,000। अब यहाँ पे आपको लोन के परसेंटेज नहीं दिए। अब यहाँ पे टी रिटायर कब हो रहा है, 36 को। हमारा फाइनेंशियल अकाउंट कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, दैट मीन्स अप्रैल मई और जून का हमें 6% के अकॉर्डिंग इसको हमें इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे हम बैलेंस शीट से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड करेंगे। तो लोन की अमाउंट दी गई है 25,000, उसका 6%, दैट मीन्स 6 × 100 × 3/12 अगर हम करेंगे तो 375 रुपीज़ जो है वो हमारी लोन की आएगी और लोन का इंटरेस्ट आएगा तो उसे हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 375 रुपीज़। ये हमने फाइंड किया। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स तो यहाँ पे आएंगे नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग है वो नहीं आएंगे। यहाँ पे स्टॉक की एंट्री नहीं होगी, डेब्टर्स की एंट्री भी यहाँ पे नहीं होगी, कैश की एंट्री भी यहाँ पे हमें नहीं करनी है। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट जो हम उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले हम उसका शेयर फाइंड करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट जो है वो हमारे लिए फिक्टिशियस असेट्स है, उसका शेयर आएगा 15,000 × 2/5 करेंगे, दैट मीन्स के 6,000 जो है वो उसका फिक्टिशियस असेट्स का जो उसका शेयर हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट ₹6,000। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी बैलेंस शीट की एंट्री हमने कर दी। अब हम क्या करते हैं, उसकी जो एडजस्टमेंट्स दी गई हैं उसकी एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड 6% पर एनम, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें जो कैपिटल दी गई उसका 6% इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं। बट कितने मंथ का, 3 मंथ का। तो यहाँ पे 1 lakh × 6/100 × 3/12 तो यहाँ पे हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ पे कितना आएगा आपको पता ही है 1500। तो इसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे 36 को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1500। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 12% पर एनम टी विड्रो 20,000 ऑन 1 May 2017। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसने विड्रो कितना किया है यहाँ पे 1 May को, तो यहाँ पे तो भी हम यहाँ पे डेट कौन सी डालेंगे, 36 टू ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे आएगा 20,000। उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मई और जून 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा तो ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो 12 यहाँ पे ड्राइंग कितना किया उसने, 20,000 इंटू
12% आपको दिया हुआ है और 2% के अकॉर्डिंग हम 2 मंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ पे ड्राइंग कितना आएगा 400। ये हमें कैसे फाइंड किया, आपको पता है 12% आपको दिया हुआ, विड्रॉ कब करा है, 1 मई को, दैट मीन्स मई और जून 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो उसकी डेबिट साइड हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट आएगी हमारी 400। उसके बाद गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। अब यहाँ पे गुडविल जो है वो हमें लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट से हमें डबल करने, मतलब कि 2 ईयर्स परचेस करने। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं, तो 80,000 प्लस 75,000 एंड प्लस 85,000, तो हमारा यहाँ पे अपॉन 3। तो यहाँ पे हमने किया तो कितना आ रहा है हमारा प्रॉफिट जो है 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट अपॉन 3, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा 80,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। अब उसके हमें 2 टाइम्स करना है गुडविल, दैट मीन्स कि 80,000 इंटू 2, 1,60,000 जो है वो, सॉरी 1,60,000 हमारी गुडविल है। अब इस गुडविल में हम क्या करते हैं, टी का शेयर फाइंड करते हैं, तो 1,60,000 इंटू, अब उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/5, दैट मीन्स 64,000 जो है वो उसका शेयर हुआ। अब ये जो शेयर है वो दोनों पार्टनर्स उनके गेनिंग रेशियो में, यहाँ पे उनका न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो है और ओल्ड रेशियो उनका गेनिंग रेशियो, दैट मीन्स कि 2:1 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सी जो है वो कितना देगा, 64,000 इंटू 2/3, दैट मीन्स कि 42,667। एंड जो डी जो एस है वो कितना देगा यहाँ पे, 64,000 इंटू 1/3, दैट मीन्स 21,333 जो है वो डी देगा। तो अब इसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 42,667 एंड 36 को बाय एस कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 21,333। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो इसकी अमाउंट है वो हमने फाइंड कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयर इज़ टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर शेयर। अब यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसी के ऊपर से हमें उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो फाइंड करना है। तो आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 85,000, आप देखोगे वहाँ पे 2016-17 का, उसमें हमें यहाँ पे खाली सी का जो टी का शेयर है वो हमें फाइंड करना है। तो टी का शेयर दैट मीन्स 3/12, बट ये प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, खाली 2 मंथ का चाहिए। तो अपन यहाँ पे सी का शेयर हमने लिखा 2/5 और यहाँ पे 3 मंथ का प्रॉफिट हम करेंगे, तो 8,500 जो है वो खाली टी का शेयर आएगा। इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रॉफिट हमें किस तरह से फाइंड करना है, उसके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से, तो प्रीवियस ईयर के ऊपर से हमने उसका शेयर फाइंड किया और वो 3 मंथ का प्रॉफिट हमने फाइंड किया, तो 8,500 है। इसे हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, उसके सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज़ 8,500, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो अकाउंट है वो क्लोज कर देते हैं। ये जो अकाउंट है अगर हम क्लोज करते हैं तो 2,03,375 टोटल आएगा, उसमें से अगर हम माइनस करते हैं वो अमाउंट हम कहाँ पे लेके जाएंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखा टू लोन ऑफ टीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, अमाउंट माइनस की तो कितना है 1,76,975। यहाँ पे इस तरह से हमने अकाउंट किया, ये सारे अमाउंट जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दी। हमने सम किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसी के ऊपर से आपको इलस्ट्रेशन 24 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।